बताएंगे डबल चिन एक बहुत ही बड़ा मसला है। ये डबल चिन कम होने की वजह से आपकी उम्र भी कम लगती है, आपका चेहरा प्यारा लग रहा है, छोटा छोटा लगता है। और जब हम कुछ खा पी रहे होते हैं, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, सबसे पहले वो चेहरे पे आता है। चेहरे पे आके डिपेंड करता है फरहान, कुछ लोगों की टेंडेंसी चेहरे की होती है, पहले से छोटे चेहरे होते हैं ना, कुछ लोगों की टेंडेंसी जो है वो बॉडी के किसी और पार्ट की होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो खबरें पढ़ रहे होते हैं ना, तो अब जैसे एआरवाई में तो मुलाकात हो ही जाती थी, अभी तो कोई ऐसी है नहीं, लेकिन एक आध जमाने में जब मैं इधर आगे पीछे जा रही थी तो चेहरा इतना पतला दुबला सा होता, तो बाकी सारी चीजें डेस्क के पीछे होती, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब है अच्छा वो चेहरा पतला सा होता तो आपको इम्पैक्ट आता है कि ये बड़ी दुबली पतली होगी। ऐसे भी लोग देखे, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे जैसे भी तो होते हैं, कुछ खा लो तो मुंह पे आ जाता है, मेरे भी मुंह पे, मेरा भी ऐसे ही सबसे पहले मुंह पे। तो उन लोगों के लिए जो मुंह पे आ जाता है डबल चिन, फिर मोबाइल यूज करने से भी यूं करके ना, मोबाइल यूज करने जैसे आप रखेंगे अपनी बॉडी एग्जैक्टली ऐसे ही रखेंगे या फिर यूं बैठेंगे, आपको सही से तरीके से अपना वो करना चाहिए। अच्छा चलिए, इसके लिए जो भी मैं तो अक्सर मोबाइल जो है ना वो ताकि मैं डबल चिन वगैरह में लेट के यूं करती हूं, तो कितनी दफा मेरी नाक पे गिरा है मोबाइल करते हुए, यकीन मान याद करते हैं, हां दो तीन दफा मेरी नाक पे गिर चुका है इसीलिए। चलिए ठीक है, अब आप ये बनाएं और उसके बाद मोबाइल इस तरह भी यूज करें, जैसे भी यूज करें, डबल चिन है वो आपकी लटकेगी नहीं और मजीद बढ़ेगी नहीं। तो मैंने अंडे की सफेदी ले ली, इसको मैंने फेंट लिया है जरा सा, इस तरह से मैंने फेंट लिया है। उसके बाद जो मैं मूंगफली इसमें शामिल कर रही हूँ, पाउडर है, उसमें मूंगफली का छिलका भी है। अच्छा जी, छिलका पूरी मूंगफली को लेके उसको मैंने इसको पीस लिया, देखिए छिलका यहाँ पर रखा हुआ है और मूंगफली का पाउडर ये, इसमें इसका ऊपर का भी छिलका नहीं निकालना, इसका खोल वो भी नहीं निकालना। अच्छा, सारी चीजों को मैंने इसका ये वाला खोल इसका मैंने इसको यहाँ डाल दिया 1 टीस्पून, और पाउडर तकरीबन ये भी 1 टीस्पून, पूरी पिसी हुई मूंगफली है। और इसके अंदर ही मैं शामिल करूंगी यहाँ पे गोंद कतीरा, वो सारी चीजें हैं जो आपकी डबल चिन को बहुत जल्दी टाइट कर देगी और लटकेगी भी नहीं, और स्किन आपकी अच्छी अच्छी खासी आपकी टाइट हो जाएगी। गोंद कतीरा वो भी मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया, चावल का आटा ये भी 1 टीस्पून, उसको मिक्स कर देंगे, ये क्रीम बन जाएगी, अच्छी सी क्रीम, ताकि चिपक जाए अच्छी तरह से। पानी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि अंडे की सफेदी मैंने इसके अंदर शामिल की हुई थी। क्रीम बना के क्या करना है, डबल चिन पे यहाँ लगा के बहुत अच्छा सा लेप, इजीली लेप उसका लग जाएगा। ये बैंडेज होती है या फिर आपके पास कोई कॉटन का वो मलमल का कपड़ा हो वो लेके, अच्छा डबल चिन की जो भी हम वैसे भी कोई मेडिसिंस लेते हैं, वो कोई क्रीम लेते हैं या कोई लोशन लेते हैं, तो उसके अंदर बैंडेज का लगाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता आपने डबल चिन पे ये लगा के वो आपका सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, उसको टाइट करना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत गाढ़ा सा लेप आपने यहाँ लगा के अच्छी तरीके से उसको बांध लेना है, ठीक है, इस तरह से बांध के ऊपर से आप इसको बांध लें, यहाँ से नॉट लगा लें, और इसको तकरीबन 1 घंटा आपने रखना है। अच्छा, फिर आप अपने इजीली अपने काम करें जो आप रूटीन के काम कर रही है, क्योंकि इसको तो आपने टाइट कर दिया, जो चीज उसको तो टाइट कर दी है आपने, इसका बहुत जल्दी फर्क होता है। और थोड़ी देर बाद देखेंगे ना ये सूख जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा, ये सारी चीजें वो जो सुखा देती है, कोई ऑयल इसके अंदर नहीं है, वो गीला नहीं रखती, 1 घंटे में बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसको खोल के आप यूं करके खींचेगी ना तो आपको ये टाइट फील होगा, जैसे टाइटनिंग मास्क लगाते हैं वो पूरा टाइट फील होगा, और आपको 2-3 एप्लीकेशन में लगेगा कि मेरी डबल चिन कम हो गई है, और जो लटकती है ना डबल चिन की वजह से कम होती है, स्किन लूज लटक रही होती है, लटक रही होती है, उसको भी सही कर देगा। ओके, तो ये मास्क इसको लगाएं, और इसको सिर्फ आप 2 दिन रख सकते हैं, इसको ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि अंडे की सफेदी पे इसमें से बू आना शुरू हो जाएगी। इस मौसम में आप 2 दिन रख सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्मियां हैं तो जिस दिन बनाना है उसी दिन इस्तेमाल कर लें, और ये तो चाहिए होगा एक दफा में, तो ये चाहिए, देखिए अब ये जमना शुरू हो गया तो ड्राई हो जाता है। ये गोंद कतीरा, चावल का आटा, डबल चिन कम करने के साथ साथ स्किन को ये टाइट भी करता है। अच्छा, कुछ आइडिया दे सकती है रिजल्ट कितने दिनों में आएगा? रिजल्ट देखिए, डबल चिन आपकी स्किन टाइट, तो जब आप निकालेंगे ना खींचेंगे, जैसे हम टाइटनिंग मास्क लगाते हैं तो स्किन तो आपकी टाइट हो जाएगी, लेकिन डबल चिन है वो तकरीबन आपको 5 से 6 दिन में आपको फील होगा कि मेरी कम हो गई है। लेकिन कुछ लोगों की डबल चिन इतनी निकली हुई होती है, मैंने ये मास्क लगाया था किसी को तो वो 1 दिन में कह रहे हैं मेरे खत्म हो गए, मैंने कहा 1 दिन में तो नहीं हो सकती, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है 3-4 दिन में आपकी डबल चिन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ आप डबल चिन की बहुत सारी एक्सरसाइज है वो भी आप करें, जो मैं भी करती हूँ, कम हुई है मेरी, बहुत कम हुई, मैं हर वक्त में एक्सरसाइज में ही लगी रहती हूँ, मैं भी लगाता हूँ, बता देती हूँ, अजीब शक्ल बनानी पड़ती है, नहीं अजीब नहीं, मैं बहुत आसान वाली करती हूँ, आपने ऊपर मुंह करके चबाना है, चबाना है बस, ऊपर आपने फेस करना है, अब चबा रहे हैं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, लोग यू यू ए ओ ई ई भी करते हैं, वो इसके लिए करते हैं, भी करते हैं, जॉस के लिए, ओ मतलब मैं इतनी बुरी शक्ल नहीं बना रही, लेकिन आप बस ऊपर देख के ना अच्छी तरह, और यहाँ हाथ रख ले, प्रेशर पड़ता है, ठीक है, या मैं योगा वगैरह जब कराते हैं तो कराए,
तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। ये दोनों चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा, ये लगा के ना कर लीजिएगा। नहीं, ये लगाना नहीं, अजीब रैशेस पड़ जाएंगे फिर तो। इसके बाद इसको तो आपने लगा के छोड़ देना है, जब तक ड्राई नहीं होता आप इसको निकाल के बोलना भी नहीं है। नहीं, बात कर सकते हैं इसको, यहाँ है ना, यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ है ना, यहाँ आप लगा के ना। हाँ। तो वो जो मेरी तरह बहुत ज्यादा बोलती है उनके लिए तो बिल्कुल मना है। ना बोले नहीं बोलना बिल्कुल।